सो हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट के 10 अक्टूबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और बात करें आज के इस आईएएस पॉइंट के चैनल पे, आप सभी को द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में काफ़ी कुछ नए और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स बने रहिए, और आज के इस सेशन में काफ़ी कुछ यूनिक आर्टिकल्स भी आए हुए हैं रिलेवेंट टू हमारे जो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, वो कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो बात करें सबसे पहले उन आर्टिकल की, तो आर्टिकल जो है कुछ इस प्रकार से होंगे। तो एक सुव्यवस्थित भाषा में यदि हम बात करें उन सभी आर्टिकल्स की, तो सबसे पहली बात यह है कि हमें आज के कुछ बर्निंग इश्यूज जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हो सकते हैं, हमें जानना भी चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ नेशनल बटरफ्लाई टैग, कुछ बटरफ्लाई की जो स्पीसीज हैं वो पाई गई हैं, उन पर हम सभी चर्चा करनी है। साथ ही साथ अब की बार यदि हम बात करें, तो इसमें बेसिकली हम बटरफ्लाई की कुछ प्रमुख स्पीसीज का नाम जानेंगे। साथ ही साथ द राइट बैलेंस, यानी कि ये प्रकार से आप सभी समझ सकते हैं कि जैसे यदि हम बात करें कि जो शाहीन बाग का दिल्ली में जो दंगा हुआ था, उस पर जो राइट का प्रोटेक्ट होना, प्रोटेस्ट करने का जो राइट्स मिला था, उस पर क्या किस प्रकार का प्रोटेस्ट होना चाहिए और उसमें क्या क्या फंडामेंटल राइट्स का यूज किस प्रकार होना चाहिए, इस पर बेसिकली बात की गई। और किस प्रकार प्रोटेस्ट के किन रेगुलेशन के अंतर्गत रेगुलेट होना चाहिए। साथ ही साथ यूएस और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उस पर एक बेहतरीन आर्टिकल आया हुआ है। और एंटी रेडिएशन मिसाइल जो कि डीआरडीओ ने डेवलप की है, इसका नाम और इसकी वर्क फंक्शन को हम सभी आज इस सेशन के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ एक यूनिक आर्टिकल आया हुआ है जिसका नाम है MERS2, ये क्या है इसको जानने के लिए आपको इस पूरे सेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। बात करें यदि नेक्स्ट आर्टिकल की, तो वो कुछ यूएन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पे एक यूनिक आर्टिकल नोबेल प्राइज से रिलेटेड आया हुआ है, उसको हम सभी कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ चाइना ने क्वाड पे जो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है इंडिया ऑस्ट्रेलिया और जापान और बेसिकली यूएसए के बीच जो ये क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है, इस पर उसने क्या किया है, कहता है कि वो सिर्फ हमारे लिए ही बनाया गया, हमको काउंटर करने के लिए क्वाड का कंस्ट्रक्शन किया गया। साथ ही साथ न्यू स्पीसीज कुछ डिस्कवर हुई हैं जो उसको आप सभी को जानना चाहिए। इस पेंडेमिक के अंतर्गत न्यू स्पेसीज लगभग डिस्कवर की गई है, लगभग 400 से अधिक स्पेसीज का मतलब की खोज हुई है। इसको देखते हुए आज के हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे और आज के सेशन को संपन्न करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही यूनिक आर्टिकल्स की संपूर्ण जानकारी के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए इस संपूर्ण सेशन को। आज की सबसे पहली और अच्छी न्यूज़ की बात करें, तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो है टॉक्स मास्को में शुरू हो गई है। रूस की राजधानी मास्को में इसकी जो है बेसिकली इसकी जो टॉक्स शुरू हो गई है, कल लगभग इसमें लिखा है आर्मेनिया एंड अजरबैजान हेल्ड्स देयर फर्स्ट हाई लेवल टॉक्स इन फ्राइडे आफ्टर नियरली 2 वीक्स। अब तो फर्स्ट जो आप जानते हैं बहुत ही पिछले 2 सप्ताह से इसमें क्लैश बना हुआ है, तो अब इसकी टॉक्स शुरू हुई। साथ ही साथ श्रीलंका की बात करें, तो एक्सपेक्ट चाइना स्टाइल डेवलपमेंट फॉर श्रीलंका गोतबाया। गोतबाया राजपक्षे जो वहाँ के बेसिकली जो है नई जो सरकार है, राजपक्षे जो सरकार है वहाँ की, तो उन्होंने चाइना के स्टाइल के अनुसार अपना डेवलपमेंट किया गया है, जो कि इंडिया के लिए बेहतरीन कांसन का विषय है, क्योंकि जो है उसमें जो भी इंडिया और श्रीलंका की जो राजधानी कोलंबो और जो चीन की राजधानी बीजिंग है उसके बीच जो है FTA नेगोशिएशन हो रहा है, यानी कि अब उसमें डेवलपमेंट के लिए चाइना उसमें एंट्री ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया को काउंटर करने का तरीका भी हो सकता है। तो ये भी अपने आप में न्यूज़ में आगे आने वाले समय में इस पर आर्टिकल आएंगे। बात करें आज के उन आर्टिकल के जिन पर हमें डिस्कशन करना है, तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि, और उससे पहले यदि हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, तो RBI ने कहा है कि अगले साल जो है अगले क्वार्टर फर्स्ट में जो कंट्रक्शन है उसमें कहीं कहीं कमी होगी, यानी कि इंडिया की जो अर्थव्यवस्था वो बेहतर होगी अगले साल तक, ये कहा गया। बात करें अगर आर्टिकल की, बात करें यदि आज की इंपॉर्टेंट आर्टिकल की सबसे पहले, तो वो है सिटीजन फॉल थ्रो ऑफ 3 कंटेंडर्स फॉर नेशनल बटरफ्लाई टैग। तो बटरफ्लाई की 3 प्रजातियों को पाया गया है, इनका नाम क्या है, बेसिकली आपको ये सिर्फ जानना होगा कि सिटीजन फॉल टू आइडेंटिफाइड द नेशनल बटरफ्लाई हैज कंक्लूड विथ 3 स्पीशीज जर्निंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुड्स। पहला है कृष्णा पिकॉक। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, फ्रेम कैसे होते हैं, आ जाएगा कृष्णा पिकॉक क्या है, तो आपको पिकॉक से लगेगा कि मोर है, लेकिन ये बेसिकली है एक तितली की ही प्रजाति, यानी कृष्णा पिकॉक पॉपुलो कृष्णा भी हम लोग इसको कहते हैं। ये इंडिया जजबेल है, इसका भी नाम, ये भी एक बटरफ्लाई है। और साथ ही साथ ऑरेंज ओकलिफ, ओकलिफ जो है ऑरेंज ओकलिफ, ये भी है एक तितली, यानी कि इन तीनों का नाम हो गया आपका कृष्णा पिकॉक, इंडियन जजबेल और जो ऑरेंज ओकलिफ है, ये जो तीनों हैं बटरफ्लाई की प्रजाति हैं जो कि हिमालयन रीजन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं, हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं। तो ये एस्पेक्ट आपको याद रखना होगा, ये तीनों प्रजातियों के नाम भी आपको इस बटरफ्लाई के याद रखने होंगे। तो बात करें यदि नेक्स्ट आर्टिकल की, तो हमारे एडिटोरियल पेज का ही पहला आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ कि द राइट बैलेंस, राइट बैलेंस यानी बैलेंस
किस प्रकार हम सही से बैलेंस बना के किसी भी चीज़ को चल सकते हैं। अर्थात यदि हमें प्रोटेस्ट अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो उसका भी अपना एक रूल होना चाहिए और वो भी एक तरीके से होना चाहिए, क्योंकि सूडान ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट शुड नॉट ऑटोमेटिकली इन्वाइट द स्टेट स्ट्रॉन्ग आर्म्स। देखिए, अगर बात करें इस पूरे आर्टिकल की और न्यूज़ में होने का, तो प्रमुख कारण ये है कि लॉन्ग आफ्टर शाहीन बाग बिकम अ पोटेंट सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, द सुप्रीम कोर्ट हैज वर्चुअल वेंचर्ड टू होल्ड दैट एनी सच इंडिफिनिट ब्लॉकेट्स पब्लिक पथवे इज अनएक्सेप्टेबल। इस पर कल भी आर्टिकल आया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने माननी, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यदि आपको प्रोटेस्ट करना, अपने राइट को प्रोटेस्ट करना है या किसी भी प्रकार का आंदोलन करना है तो आपको आंदोलन तो करना है, लेकिन साथ में आप किसी भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं कर सकते, साथ ही साथ पब्लिक पथवे को भी आप घेराबंदी नहीं कर सकते, जिससे जो आम जनता है उसको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना हो सकता है। अर्थात देखिए, आप अपने राइट को प्रोटेक्ट करते समय दूसरे के भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उसके भी मूल अधिकार हैं, उसको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आदमी अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन करता है जिससे जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इफेक्टेड होते हैं, जिससे जो अदर पर्सन होते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। और यही बात बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करते समय दूसरे के राइट्स का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यही बेसिकली बातें इसमें कही जा रही है। तो देखिए, एक बढ़िया आर्टिकल आया गया है कि आखिर राइट टू प्रोटेस्ट क्या क्या होते हैं, यानी कि प्रोटेस्ट करने के रूल्स क्या होते हैं, तो उसको एक नज़र डालते हैं हम। यदि हम बात करें राइट टू फ्री स्पीच एंड पीसफुल असेंबली, तो उसमें द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्म इनटू द राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस एंड ओपिनियन ऑन द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट भी कराया जाता है, और द राइट टू एसोसिएशन इज रिक्वायर्ड टू फॉर एसोसिएशन फॉर पोलिटिकल पर्पज फॉर इंस्टेंट टू कलेक्टिवली चैलेंज गवर्नमेंट डिसीजन एंड इवन एम पीसफुली एंड लीगली। देखिए, जो भी हमको गवर्नमेंट की कोई भी, जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम्पल एक पॉलिसी कोई आती है, तो उसके प्रति जो भी विरोध होते हैं उसको विरोध तो करना है, लेकिन उस विरोध को आपको पीसफुली और लीगली तरीके से करना है, ना कि आप किसी प्रकार को गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते उसके अंतर्गत। टू डिस्प्लेस द गवर्नमेंट टू नॉट मेयरली चेक अब्यूज ऑफ पावर बट टू रेस्ट पावर। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। एंड द राइट टू पीसफुली असेंबल अलाउज पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिटीजनशिप बॉडीज सच एज यूनिवर्सिटी बेस्ड स्टूडेंट ग्रुप टू क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्ट टू द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाई डिमॉन्स्ट्रेशन एजुटेशन एंड पब्लिक मीटिंग टू लॉन्च सस्टेन्ड प्रोटेस्ट मूवमेंट। तो आपको जो भी प्रोटेस्ट करना है उसको आप वो कुछ प्रमुख गाइडलाइंस है जो आगे वाले स्टेटमेंट में आपको देखने को, जिसमें हम सभी जानते हैं कि जो सिस्टम होता है डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी इज एवरी, यानी कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज एवरीवेयर वेयर आर फाउंड टू कोर पॉलिटिक्स राइट। तो डेमोक्रेसी को दो राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, जो पहला अधिकार वो कुछ इस प्रकार से है कि द फर्स्ट राइट की यदि हम बात करें, एवरी सिटीजन टू फ्री इलेक्ट देयर गवर्नमेंट एंड व्हेन डिससैटिस्फाइड विथ इट्स परफॉर्मेंस टू वोट इट आउट पावर ऑन इन लेजिटमेटली हेड इलेक्शन आर्टिकल 326। हम सभी जानते हैं कि अपनी गवर्नमेंट को हमने अगर जिसको चुना है और उससे हम डिससैटिस्फाई हैं तो उसको हटा सकते हैं, लेजिटमेट जो भी इलेक्शन हेल्ड होता है उसमें हम उसको हटा सकते हैं। एनी फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्शन टू चैलेंज द गवर्नमेंट प्रपोजल और डिसीजन इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनली लेजिटिमेट एज लॉन्ग एज इट डन बाई पीसफुली एनी आर्बिट्ररी रिस्ट्रेंट एंड एक्सरसाइज ऑफ सच राइट्स। फॉर इंस्टेंस, इम्पोजिंग सेक्शन 144 शोज द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टॉलरेट डिसेंट। देखिए, आपको प्रोटेस्ट करना है तो वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के जो लेजिटिमेट है उसको बेसिकली आप उस गवर्नमेंट के प्रति, यदि आपको ओवरऑल जो प्रोटेस्ट करना है वो आपका पीसफुली होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पीसफुली होनी चाहिए। और जो भी मतलब सेक्शन, क्योंकि उस वक्त जो सेंक्शन लगी होती है वो होती है 144, क्योंकि ये दिखाता है गवर्नमेंट में मतलब असंतोष है, गवर्नमेंट के प्रति आम जनता में क्या है, असंतोष है। साथ ही बात करें इसकी यदि प्रपोजल की, यानी प्रोविजन की, द राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज इंसर्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(1) है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो 19वां हमें मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है, एंड गारंटी द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1) एंड बी एश्योर्ड सिटीजन द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान का जो अनुच्छेद 19(1) और (a) और (b) है वो हमें एश्योर करता है कि हम असेंबली कर सकते हैं लेकिन वो भी पीसफुली और विदाउट आर्म्स, बिना किसी आर्म्स के, ये बेसिकली हम जानते हैं। साथ ही साथ हम कहीं भी असेंबल हो सकते हैं लेकिन हमें पीसफुल होना पड़ेगा और विदाउट आर्म्स के होने पड़ेगा, यानी पब्लिक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर उससे इम्पैक्टेड नहीं होना चाहिए। तो ये रहे कुछ
प्रोटेस्ट के प्रोविजन का, तो प्रोटेस्ट के प्रोविजन के जो भी प्रॉस्पेक्टस है उसको बड़ी जल्दी हमने थोड़ा सा समझा, क्योंकि हमें प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का अदर जो इसके पार्ट हैं उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बात करें यदि नेक्स्ट आर्टिकल, तो इस आर्टिकल में हम सभी देखेंगे अमिड पेंडेमिक ग्लूम 544 रीजन्स फॉर इंडियाज टू चीयर, लगभग 544 क्षेत्रों में इसका मतलब सर्वे किया गया, जिसमें न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड इन कंट्री लास्ट ईयर इंक्लूड्स 364 एनिमल्स एंड 180 प्लांट्स वराइटीज़। 2019 का जो डाटा चल रहा था मतलब नई नई स्पीसीज की सर्च करने का, तो उसमें लगभग 364 जो हैं जानवरों की प्रजातियों का खोज हुआ है और 180 पेड़ पौधों की वैरायटी की भी खोज हुई है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हो जाता है कि अराक ड्वेलिंग गिको हो गया, सिनेमास्पी एनाटॉमी हो गया, और एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, ये कहाँ मिलते हैं, पश्चिमी घाट में मिलते हैं। इसके बाद इसफेरियो थीका मेगाधा, बरोइंग फ्रॉग, एक बरोइंग फ्रॉग है, और साथ ही साथ बात करें ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये झारखंड के मैदानों में पाए जाते हैं। और इनोप्लोट्रोप्स तवांग जेनेसिस और डंग बेटल फ्रॉम तवांग के क्षेत्र में ये स्पीसीज पाई गई। अ वाइल्ड जिंजर वैरायटी अमूमम, एक वाइल्ड जिंजर वैरायटी भी पाई गई जिसका नाम है अमूमम, और भी सारी वैरायटीज का नाम लिखा हुआ है, इसको आप सभी रीड कर सकते हैं, जिसमें आपको नेगेमिनिस से डिस्कवर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट बिहाइंड कोहिमा जू इन नागालैंड, तो नागालैंड की जो राजधानी कोहिमा है वहाँ के जू में इस प्रजाति को पाया गया है। तो ऐसी बहुत सारी प्रजातियों का नाम बेसिकली इसमें आप रीड कर सकते हैं, जो कि लगभग 2019 से लेकर अब तक खोजी गई हैं ये सारी स्पीसीज। तो बेसिकली आपको ये हमेशा अपनी नज़र में बनाए रखना है कि कितनी स्पीसीज या कौन कौन सी स्पीसीज, ये क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपने बटरफ्लाई का भी जस्ट पढ़ा, तो बटरफ्लाई का देगा कि बेसिकली अगर उसकी बात करें, जैसे कि मान लीजिए पूछ देगा कि कृष्णा पीकॉक क्या है, तो कृष्णा पीकॉक का आप सोचेंगे पीकॉक में मोर होता है, लेकिन मोर जो है ये बेसिकली नहीं, ये एक प्रकार की तिलकी प्रजाति है। तो ऐसे न्यूज़ को आप सभी को एक मतलब कि हल्के फुल्के नज़र में लगातार बनाए रखना चाहिए। बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल, तो वो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सीनियर यूएस ऑफिसर टू विजिट दिल्ली अहेड 2+2 टॉक्स। तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो यूएस के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और बेसिकली इन सब के बीच, इन लोगों के बीच 2+2 टॉक्स होने वाली है। तो ही विल फोकस ऑन एडवांसिंग यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक बेसिकली हो सकती है कि इन द रन अप टू यूएस इंडिया 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉरेन और जो रक्षा मंत्री हैं और जो विदेश मंत्री हैं, इन दोनों के बीच इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनके बीच इस साल मीटिंग होने वाली। तो यूएस डिप्टी सेक्रेटरी भी इसमें शामिल होने, स्टेट लगभग जो मीटिंग बेसिकली है, तो जो डिप्टी जो सेक्रेटरी हैं यूएस के और इंडिया के, इन लोगों के बीच भी मतलब कि बेसिकली इंडिया और यूएस के बीच बातें होने वाली है। और ये जो वार्तालाप 2+2 जो डायलॉग होने, जो बातें होने वाली हैं, ये बेसिकली न्यू दिल्ली में होने वाली है 12 से 14 अक्टूबर के बीच। तो इसमें जो भी आस्पेक्ट आएंगे उस दिन न्यूज़पेपर में बेसिकली इस पर आर्टिकल आने वाले हैं। तो 12 से 14 के बीच जो इनमें बातें होने वाली हैं, तो किन किन मुद्दों पर चर्चाएँ होगी, ये बेसिकली आर्टिकल में बना रहेगा, तो इसलिए पहले हम इसको जान लें। तो बात करें फ्रेंड्स आर्टिकल की, तो वो लिखा हुआ है कि DRDO टेस्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो DRDO ने अभी पिछले दिनों भी कुछ सबमरीन के लिए एंटी सबमरीन मिसाइल को लॉन्च किया था। अब हाल ही में DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी मतलब कि सफल परीक्षण के लिए जाता है। न्यू जनरेशन वेपन हिट्स टारगेट आफ्टर सुखोई फाइटर जेट लॉन्च। तो इसको जो ये मिसाइल है एंटी रेडिएशन, उसको लॉन्च किया गया सुखोई 30 से, जो हमारा एरोप्लेन है। तो अ न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट, इसका नाम बेसिकली आपको याद रखना होगा कि जो एंटी रेडिएशन जो मिसाइल है, इसका नाम बेसिकली है रुद्रम फर्स्ट, वाज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड ऑन फ्राइडे, यानी कल के दिन में इसको मतलब कि फ्लाइट इसका टेस्ट हुआ है बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा। दिस इज द फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो ये जो मिसाइल है भारत की पहली इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है, मतलब ये रेडिएशन की पकड़ में भी नहीं आएगी और रेडिएशन को खुद ही ये समाप्त कर देगी। यानी अगर इसकी फीचर की यदि हम बात करें, तो वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि रुद्रम के हमले के लिए INS GPS नेविगेशन के साथ पैसिंग होमिंग हेड मौजूद है। यह अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर लक्ष्यों की चिन्हित और विकृत निशाना साध सकती है, और इसकी सामान्य जो मारक क्षमता है 100 से 150 किलोमीटर तक है, और इसे जो है 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जा सकता है। और बेसिकली DRDO ने इसे स्वदेशी तकनीक से भी विकसित किया हुआ है, और इस ऊंचाई से
250 किलोमीटर की दूर तक स्थित लक्ष्य पर भी सटीक निशाना साधने में यह बेसिकली एक्टिव रहेगी। इसकी लॉन्च जो स्पीड है 0.6 से 2 मैक यानी कि लगभग 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटा की से भी अधिक इसकी जो स्पीड है, यानी कि अगर बात करें तो दुश्मन की ने रडार सिस्टम को यदि बंद किया है तो भी रुद्रम उसे क्या कर सकती है, निशाना बना सकती है। लॉन्चिंग से पहले और उसके बाद भी निशाने को बेसिकली लॉक कर सकती है। तथा हमने जो भी एस्पेक्ट पढ़े वो आप यहाँ पे भी रीड कर सकते हैं कि जो इसकी जो मारक क्षमता है वो बेसिकली 0.6 से 0.2 मैक है। देखिए ये ऐसा सुखोई एमकेआई जो 30 है एयरक्राफ्ट जो है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो बेसिकली बात करें, जैसे मान लीजिए अगर किसी को भी कोई मिसाइल किसी भी क्षेत्र में एंट्री मारती है तो उस क्षेत्र के जो रेडी रडार लगे होते हैं उस रडार की पकड़ में वो मिसाइल आ जाती है, जिसके कारण ये रडार के द्वारा इस मिसाइल को नाकाम कर दिया जाता है। लेकिन इस मिसाइल की खासियत कुछ इससे अलग है कि ये मान लीजिए अगर कोई मिसाइल यहाँ से लॉन्च होती है और यहाँ पे दुश्मन का रडार है, रडार पकड़ता है मिसाइल को, तो ये उल्टी मिसाइल है, ये रडार को ही पकड़ लेती है, यहाँ पे रडार जैमिंग सिस्टम लगा हुआ है और ये उस इस मिसाइल के माध्यम से हम उस रडार को ही समाप्त कर सकते हैं, यानी दुश्मन के जो रडार सिस्टम उसको लॉक कर सकती है, उसको नष्ट कर सकती है। तो ये इसकी बेसिकली इंपॉर्टेंट खासियत है। तो फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं अपने आप में भारत के लिए खुशखबरी भी है। तो नेक्स्ट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है SARS-CoV-2 नॉट लॉस्ट वायरस टू स्पार्क अ पेंडेमिक। तो एक प्रोफेसर हैं बेसिकली इन्होंने प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया की बेसिकली जो प्रोफेसर हैं सुसान बेस, इनके द्वारा ये कहा गया कि जो ये SARS-CoV-2 पेंडेमिक चल रही है, पेंडेमिक टाइमिंग चल रही है, ये अंतिम वायरस नहीं है क्योंकि इसके समाप्त होने के बाद एक और अन्य वायरस की एंट्री होगी जिसका नाम होगा MERS-2। क्या होगा? MERS-2, क्योंकि ये अब तक चिंता का विषय है। नेक्स्ट सच वायरस कुड बी MERS-2 वॉन्स प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सुसान बेस। तो माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर ने ये मतलब की घोषणा की हुई है कि SARS-CoV-2 के बाद एक और वायरस आएगा जिसका नाम है MERS-2। तो इसको ये वर्ड्स में बना हुआ है तो इसको आप सभी लोगों को याद रखना होगा। बात करें नेक्स्ट तो इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि चाइना स्लैम्स क्वाड एज ए क्लोज्ड लिंक। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है लेकिन चाइना के कंसर्न को दिखाया गया है, जिसमें कहा गया कि फॉरेन मिनिस्ट्री सच से एक्सक्लूसिव ग्रुप विल नॉट बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। तो देखिए समझने का प्रयास करिए कि जो G20 के 4 सदस्य हैं, G20 में लगभग 20 सदस्य हैं, इसमें 4 सदस्य जो है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग में शामिल हैं, जिसमें कौन कौन से देश हैं, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया और USA। तो USA ये चारों देश बेसिकली USA सेटेलाइट पॉइंट पर ये हैं कि वो चाइना को बार बार काउंटर करने का प्रयास करता है। तो USA के इस क्वाड में होने के कारण चाइना को ये लगता है और चाइना की कुछ एक्टिविटी भी इंडिया के प्रति और सभी देशों के प्रति ऐसी है कि उसको लगना भी चाहिए, क्योंकि वो सभी देश पे उसकी जो एक्सपेंशनिज्म की जो मेंटेलिटी है वो कहीं कहीं इधर आती है और उसको डर भी है कहीं सभी देश मिलकर उसको काउंटर ना कर दें। तो ये चारों देश संगठित हैं तो चाइना ने इस पर ये बयान दिया हुआ है कि ये जो क्वाड बना हुआ है वो बेसिकली उसी को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो लेकिन इंडिया खुद अपने आप में कहता है मैं बायलैटरल एग्रीमेंट पे बात नहीं करता, हम लोग मल्टीलैटरलिज्म में विश्वास करते हैं। किस पे विश्वास करते हैं? मल्टीलैटरलिज्म में। तो बेसिकली चाइना द्वारा यही कंसर्न दिखाई जा रही है। तथा बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की तो उसमें लिखा हुआ है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स विन 2020 नोबेल पीस प्राइज़। तो ये हमने आपको कभी बताया था कि अब हर दिन नोबेल प्राइज़ से संबंधित आर्टिकल्स आते रहेंगे। तो यूएन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम था, विश्व जो भोजन संबंधित जो प्रोग्राम होते थे, उसने जीता हुआ है 2020 का नोबेल पीस प्राइज़। तो 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज़ किसने जीता हुआ है उसको मिलेगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, यूएन की, यूनाइटेड नेशन की। तो इट्स एफर्ट टू कम्बैट हंगर अराउंड द वर्ल्ड ऑनर्स। तो भूख से मिटाने की समस्या, हंगर इंडेक्स और भी अनेक प्रकार के इसके जो कार्य थे इससे संबंधित सराहनीय कार्यों को देखते हुए इसको 2020 का नोबेल प्राइज देने का प्रयास किया गया, देने का निर्णय लिया गया है। तो द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने WFP वन द नोबेल प्राइज़। तो WFP ने, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इसको बेसिकली नोबेल प्राइज़ जीता है। फ्राइडे को इसकी अनाउंसमेंट भी हुई और इट्स एफर्ट टू कम्बैट हंगर अराउंड द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीस इन एरिया अफेक्टेड बाई द कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट जैसे एरिया में भी उसके द्वारा जो शांति के जो प्रयास थे इन सभी को देखते हुए यूएन के WFP को, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का नोबेल पीस प्राइज देने का निर्णय किया गया है। बात करें आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन की तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, तो वो कुछ इस प्रकार से है कि राइट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन SARS-CoV-2। तो SARS-CoV-2 का हम जानते हैं कि MERS-2
प्रोफेसर ने भविष्यवाणी की है या फिर एक प्रकार से मतलब कुछ कंसर्न जताए हुए है कि सार्स कोवी टू के बाद MERS-2 भी वायरस इफेक्ट होगा पूरा कंट्री पूरा मतलब वर्ल्ड। तो इसकी यदि हम बात करें तो सार्स कोवी टू के बारे में सभी एस्पेक्ट को पिछले दिनों आप सभी को बताने का प्रयास किया जा चुका है और बताया भी जा चुका है। तो आप सभी सार्स कोवी टू को लगभग 100 वर्ष में इसके सभी स्ट्रक्चर को और इसके सभी फंक्शनरीज को बताने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार और धन्यवाद।